और ये भी मैं आपको बता दूं कि आईन में गद्दारी की सजा आर्टिकल 6 है, और ये कोई ऐसी बात नहीं कि बच्चों के खेलते खेलते कोई खिड़की का शीशा टूट गया जिसको दोबारा फिक्स कर देंगे। यहां पर पाकिस्तान का आईन टूटा है, इसकी सजा पाकिस्तान के आईन ने उसका तयन कर दिया है, और वो सजा अगर ना मिली तो ये पाकिस्तान के लिए, देखें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जितनी भी अदलिया है या जितने भी इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के, या सियासी जमातें या कुछ भी है, वो सब आईन से जन्म लेते हैं। तो उस आईन की हिफाजत हम सब उसके कस्टोडियंस हैं, उस आईन की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर ये प्रेसिडेंट अलाउ कर दिया गया पाकिस्तान के तारीख के अंदर, अगर ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया और इसकी सजा मुतय्यन नहीं की गई, इमरान खान को आईन तोड़ने की सजा नहीं दी गई, तो कल को कोई भी आईन को रोनता हुआ पांव के नीचे निकल जाएगा और उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं बतौर पाकिस्तानी आप सबकी तरह बहुत कंसर्न हूं इस बात पर कि ये कोई खिड़की का शीशा नहीं टूटा, आईन टूटा है। और फिर अगर इतना सवाब का काम आप कर रहे थे, साजिश को नाकाम कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी आपने रूलिंग पढ़ने के बाद असद कैसर का नाम क्यों पढ़ दिया? डेप्यूटी स्पीकर साहब रूलिंग पढ़े, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे पढ़े और उसके बाद कहते हैं असद कैसर, यानी कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं। असद कैसर साहब तो वैसे ही दौड़ गए, वो तो आए ही नहीं, क्योंकि वो स्पीकर हैं, वो जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो जानते हैं कि इसकी सजा आर्टिकल 6 है, तो वो तो आए नहीं। उन्होंने तो आराम से डेप्यूटी स्पीकर को आगे कर दिया, डेप्यूटी स्पीकर भी काफी होशियार है, उन्होंने आखिर में जल्दी जल्दी असद कैसर का नाम पढ़ दिया। लेकिन बात यह है कि ना असद कैसर वो भी मुजरिम है। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।